आप लोग एक्साइटेड हो मेरे न्यू फैमिली मेंबर से मिलने के लिए? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, गुड हेल्थ में होंगे, खुश होंगे। सो आज है ट्यूसडे, इट्स अ ब्राइट सनी मॉर्निंग टुडे। अभी मॉर्निंग का 10 o'clock हुआ है और हम लोग बिल्कुल नहा के तैयार हो चुके हैं, क्योंकि कल गोविंद मुझसे प्रॉमिस लेकर सोया था कि मम्मा हम लोग सुबह सुबह उठते ही पार्क जाएंगे। सो मैंने सोचा ये तो बहुत छोटा सा प्रॉमिस, आई कैन ईजिली डू दैट। सो हम लोग उठे, उसके बाद फटाफट हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और हम लोग बाहर पार्क में खूब देर खेल कर अभी अभी घर लौटे थे। पूरा पसीने आ रखे थे उसको, क्योंकि वो तो बहुत भागता है पार्क में। सो मैंने सोचा कि फटाफट पहले हम लोग शावर ले लेते हैं, उसके बाद बाकी के काम करेंगे। सो आज अभी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं आपको अपने फैमिली के एक और मेंबर से मिलवाने वाली हूँ आज। आप लोग एक्साइटेड हो मेरे न्यू फैमिली मेंबर से मिलने के लिए? तो चलो देखते हैं। ये 3 प्लांट्स हम लोग इस संडे को लेकर आए थे। ये बनाना पेपर्स का है, इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स शायद आपको दिख रहे होंगे आना स्टार्ट हो गए हैं। एंड अराउंड 60 डेज ये लेगा जब इसमें पेपर्स आएंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब इसमें पेपर आएगा। और ये मनी प्लांट है, इसका एक स्टेम हम लोगों को ऐसे पड़ा हुआ मिल गया था, तो हमने सोचा चलो स्टेम से उगा कर देखते हैं, अगर ये ग्रो कर गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर हम मनी प्लांट का पूरा लेकर आएंगे पॉट। और ये है पेटूनिया फ्लावर्स, इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया था तो मैंने सोचा चलो इसे ले लेते हैं। इसका भी ये देखिए नया एक फ्लावर आ रहा है। जब से प्लांट्स आए हैं ना मैं बहुत खुश हो गई हूँ। मैं दिन में पता है 3-4 बार उनके पास जाकर देखती हूँ कि वो कितना ग्रो कर रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं, कौन सा फ्लावर उसके अंदर से निकल रहा है। बहुत अच्छा लगता है ना कि जब आप अपने हाथों से एक छोटा सा प्लांट लगाते हो और उसको धीरे 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 ग्रो होते हुए देखते हो, जैसे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो भी हमारे बच्चे ही हैं समझिए। और कुछ प्लांट्स हम लोग सोच रहे हैं इस संडे और लेकर आएंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा गार्डनिंग में इंटरेस्ट आ रहा है। और हमारा जो है ना धनिया बहुत अच्छा लग रहा है, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि एक बड़े पॉट में लगाएंगे जिससे कि फुल होम प्रोडक्शन हो जाए हमारे धनिया की। और मिंट भी लग गया है, सो आई एम एक्साइटेड, मुझे अच्छा लग रहा है अपने प्लांट्स को देख के। पैटियो को मैं थोड़ा सा और डेकोरेट करूँगी जब हमारा सामान आ जाएगा। यस, जब हमारा सामान आ जाएगा ना तो टेबल वगैरह मैं डालूंगी, थोड़ी चेयर्स डालूंगी, तो पूरा सिटिंग अरेंजमेंट काइंड ऑफ बनाऊंगी, तो अच्छा लगेगा बाहर का। गोविंद का अभी स्क्रीन टाइम चल रहा है, वो अपनी ड्राइंग्स देख रहा है और उसके लिए मैंने लंच में एक पनीर पराठा बना के दिया है। उसको पनीर बहुत पसंद है, पनीर इन एवरी फॉर्म उसे पसंद है, तो मैंने सोचा चलो पनीर पराठा बना देती हूँ। और अपने लिए मैं मैंगो शेक बना रही हूँ। एक्चुअली ना ये समर्स फर्स्ट समर्स है यूएस की, जब हम लोग इंडिया वाला आम खा रहे हैं। हमारे यहाँ ना मेक्सिको का मैंगो आता था जो बहुत खट्टा होता था, तो हम अक्सर लाते ही नहीं थे, बट अब मैंगो बहुत अच्छा है, तो फ्रूट बास्केट में ना मैंगो रखा हुआ देख के टेम्पटिंग लगता है, तो मैंने सोचा चलो मैंगो शेक बना लेती हूँ अपने लिए। मैंगो शेक बनाऊंगी हनी डालकर। और गोविंद भी आया है अपना पराठा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो देखो इसका पराठा भी आप लोग देख लो। और इनका लंच अभी 1-1.5 घंटे तक चलता रहेगा, तो मैंने सोचा इस टाइम को थोड़ा प्रोडक्टिवली यूज़ कर लेती हूँ। तो बस अभी मैं सारी वेजीज वगैरह काट के रख दूंगी रात के डिनर के लिए। आज आलू परवल बनाऊंगी, तो परवल चॉप करके अगर मैं रख देती हूँ तो सब्ज़ी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और साथ ही साथ दाल सोख करके रख दूंगी, तो फिर ये एक सीटी में ही जो है सॉफ्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ चावल भी मैं सोख करके रख दूंगी पानी में। अभी गोविंद अपनी आफ्टरनून नैप ले रहा है और मैं थोड़ा सा चिल कर रही थी और आप लोगों के कमेंट्स रीड कर रही थी कल वाली वीडियो पे। मुझे बहुत पसंद है आप लोगों के कमेंट्स रीड करके उनको रिप्लाई करना। आपने देखा भी होगा मैं हर बंदे को इंडिविजुअली जाके रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, क्योंकि
मुझे लगता है कि रिप्लाई करने से ना एक कनेक्शन बन जाता है, जो मेरे फ्रेंड्स हो आप लोग यूट्यूब पे जो मुझे रेगुलरली कमेंट्स करते हो उनके साथ, तो मुझे एक पर्सनल कनेक्शन फील होता है। मुझे पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपको पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऑब्वियसली आप लोग तो मुझे वीडियो में देख लेते हो, बट मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट तब कर पाती हूँ जब मैं आपके कॉमेंट्स रीड करती हूँ, आपके मैसेजेस रीड करती हूँ, उनको रिप्लाई करती हूँ। तो ये पार्ट जो है ना मेरी जॉब का, मुझे बहुत पसंद है। तो बस अभी मैं अपने कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी, उसके बाद आई हैव वन मोर वीडियो जिसको मैं अभी एडिट करूंगी। तो यही सब चलता रहता है, पूरा दिन इसी तरीके से काम चलता रहता है, फिर शाम हो जाएगी और फिर हम लोग डिनर बनाएंगे। तो यू नो नॉर्मल लाइफ इसी तरीके से चलती रहती है, आई गेस आप सबकी भी ऐसे ही चलती होगी। तो अब अंशुल भी आ गए हैं ऑफिस से और गोविंद भी उठ के आ गया है। आज मुझे दोपहर में ना बहुत तेज नींद आ रही थी, बैठे बैठे ऐसा लग रहा था कि बस सो जाऊं, बट मैं नहीं सोई, क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, अगर मैं दिन में 5 मिनट भी सो जाती हूँ ना गहरी नींद में, तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। और वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब घर में सब लोग सो रहे होते हैं, खर्राटे ले रहे होते हैं और आपको नींद नहीं आ रही होती, आप पूरे घर में ज़ॉम्बीज की तरह घूमो। सो उसको अवॉइड करने के लिए मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं सोती। अभी भी नींद चढ़ रही है मुझे बहुत तेज, तो सोच रही हूँ कि थोड़ी सी चाय बना लूँ, चाय सबको देती हूँ। अभी हम लोग वॉलमार्ट वगैरह जा रहे हैं, एक्चुअली अंशुल को कुछ काम है अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और उन्हें फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करानी है, तो वही सब करने जा रहे हैं। पहले तो मैंने सोचा कि मैं घर में रह जाती हूँ, बट मैंने बाहर आके जब वेदर देखा, जब मैं चाय पी रही थी, मैंने सोचा नहीं मैं घर में नहीं रहूँगी, मैं भी जाऊँगी, क्योंकि बाहर वेदर बहुत ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर गोविंद शाउट कर रहा है बिकॉज उसे मम्मा को रिकॉर्ड नहीं करने देना। अभी ना हम लोग एक रैंडम जगह आए हैं, हमें भी नहीं पता कहाँ आए हैं हम, घर के बहुत पास हैं लेकिन बहुत ग्रीन है, तो हमने सोचा थोड़ा सा गोविंद के साथ खेलते हैं। तो उसके डैडी अभी उसको रनिंग करा रहे हैं और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। पता है यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है, जो कि बहुत सूदिंग होता है आइस के लिए ना, आइस को ऐसे कलर्स जब दिखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, आपका हार्ट एंड पूरा सोल जो है वो क्लेंज हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ब्यूटीफुल जगह है, देखो बैकग्राउंड में। तो ये हमारा डिनर रेडी हो चुका है, दाल आलू परवल की सब्ज़ी, और ये मैंने आज पुलाव बनाया है, सिंपल पुलाव है, जीरा पुलाव, और ये रोटी। सो फ्रेंड्स अभी 9 o'clock हुआ है और हम लोगों का डिनर हो चुका है और बस अब हम लोग सोने जाएंगे, क्योंकि हम लोग जल्दी सो जाते हैं फिर जल्दी उठते हैं 5:30 के अराउंड। वो कहते हैं ना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, तो वो हम लोग ट्राई करते हैं फॉलो करने का। और अभी गोविंद अपने डैडी के साथ खूब मस्ती कर रहा है, खूब शोर कर रहा था अभी घर पे, बस मैं रिकॉर्ड करने लगी तो थोड़ा सा चुप हो गया।
देखो फिर से शुरू हो गया। तो बस अभी मैं इनकी टीम ज्वाइन करूंगी, थोड़ा सा एंजॉय करूंगी, उसके बाद फिर हम लोग सो जाएंगे। और आज की वीडियो में यही एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। एंड फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन यू टेक केयर, बाय।